हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट नाउ वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे एंड पर्सनल रीडिंग की दो ही ऑथेंटिक वे है एक ईमेल आईडी है दूसरी है इंस्टाग्राम लिंक एंड वीकली रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो आज की टॉपिक है वॉट डू यू नीड टू हियर नाउ फ्रॉम ग्रीन ताड़ा ग्रीन ताड़ा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं क्या अभी आपको मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या आपको फोकस करना है किस चीज़ को अवॉइड करना है मैं दोनों एनर्जी को ही देखूँगी ठीक है चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए कार्ड पर मेडिटेशन कीजिए स्क्रीन पर भी यही ऑप्शन आएंगे आप मेडिटेशन कर सकते हो ठीक है फॉर ग्रुप नंबर वन दिस इज पीस एनर्जी ओके ग्रुप नंबर टू विस्टम, ओके एंड ग्रुप नंबर थ्री फोकस इसके बाद ही ये ऑप्शन आएंगे आप कार्ड पर मेडिटेशन कीजिए एंड ऑप्शन को चूज कीजिए ठीक है इंट्यूटिवली चूज कीजिए हेलो ग्रुप वन वेलकम चलिए देखते हैं ग्रीन तारा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है कौन से फील्ड पर आपको फोकस करना है किसको आपको अभी प्रेजेंट मूड में अवॉइड करना है ठीक है जीरो रीडिंग है सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं मैं आपके लिए टैर से भी देखूंगी उड़ाकेल मैसेज एंड हीलिंग मैसेज भी देखूँगी ओके सो दिस इज ग्रीन तारा ओके okay? सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे आपकी लाइफ में सारी विश आपकी लाइफ में फुलफिल हो बहुत जल्दी चलिए ओम तारे तू तु, तारे तुरे स्वाहा रीडिंग में स्टार्ट करती हुआ ग्रुप नंबर वन आपने पीस कार्ड चूज की है ओके तो प्रेजेंट मोमेंट में जो जो टॉप प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में दैट इज पीस सुकून मेंटल पीस साइकिल चल रही है सबकी लाइफ में साइकिल चल रही है माय डियर आपकी मेरी सबकी लाइफ में बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी स्थिति आपकी है कि आप साइकिल से निकल नहीं पा रहे हो वो न्यू बिगिनिंग्स न्यू स्टार्ट नहीं आ रही आपकी लाइफ में व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हो हो सकता है आप में से बहुत सारी व्यूअर्स को व्हाइट कलर बहुत पसंद है स्टार सेट चाइल्ड हो सकते हो नाइट स्काई विजिट करना स्टार गेज आई मीन स्पेशली नाइट टाइम पे जैसे तारों के साथ बातें करने वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही ग्रुप नंबर वन के लिए नंबर ट्वेंटी वन सन को दिखा रही है आई मीन नंबर वन सो एक सोल एनर्जी को दिखा रही है डियर तो कहीं ना कहीं मून के ऊपर चंद्रमा या फिर सूर्य के ऊपर बात चार्ट में कोई मैलिफिक प्लानट के एस्पेक्ट हो सकते हैं सन सन एंड मून के ऊपर सेटन राहु केतु ऐसी कोई मालिफिक प्लानट बिच्छदात्मक ग्रह की वजह से जैसे मेंटल सुकून नहीं है आपकी लाइफ में रेस्टलेस एनर्जी या फिर प्रेजेंट मोमेंट में साइकिल साइकिल में आप इस तरह से स्टक है कि आप निकल नहीं पा रहे वो भी एक रीज़न है कि आपकी लाइफ में वो पीस नहीं है तो ग्रीन तारा की ब्लेसिंग से डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो पीस रिस्टोर होने जा रही है ओके चलिए देखते हैं थैंक यू स्पिरिट ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर वन अभी कौन सी चीज़ पर फोकस करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारा, थैंक यू ओके ओके थैंक यू थैंक यू वीडियो को एंड तक जरूर देखें मैं बहुत लंबी वीडियो इसलिए बनाती कि आप एंड तक बने रहें क्योंकि इंफॉर्मेशन मैसेजेस स्किप हो जाएगी मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगी इसलिए थैंक यू स्पिर थैंक यू थैंक यू ओके देखते हैं आपको क्या अवॉइड करना है ग्रुप नंबर वन थैंक यू प्रेजेंट मूव में क्या अवॉइड करना है ग्रुप नंबर वन को थैंक यू ग्रीन तारा थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू स्प्रेड थैंक यू ओके थैंक यू स्पिरिट चलिए देखते हैं कि आपको अभी प्रेजेंट मूड में क्या फोकस करना है दैट इज फाइव ऑफ शोर्ट्स एनर्जी ओके एंड दूसरी है टू ऑफ कप्स की एनर्जी कोई आपको वॉल मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझ ले स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी ट्रिक स्टार प्रैक्टिकल अप्रोच आपको प्रेजेंट मूड में रखना है ग्रुप नंबर वन मुझे लगता है आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे जो आपको लेकर पीठ पीछे कॉन्स्परेसी वो प्रोफेशनल फील्ड हो सकती है वो आपकी करियर uh, की जगह हो सकती है आप कोई भी फील्ड घर भी ब्लड कनेक्टेड कुछ रिलेटिव्स भी हो सकती कोई पर्सन जो सामने आपको फ्रेंडली के जैसे एक फ्रेंड के जैसे रिलेशनशिप में दिखाती है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट फ्रेंड के जैसे दिखाते हैं सो बी केयरफुल कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पीठ पीछे छोड़ा मार मारकर चले जाने वाले एनर्जी है तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है किस पर आपको ट्रस्ट करना है स्पेशली आँख बंद कर, कर किसी को ट्रस्ट नहीं करना है माय डियर प्रैक्टिकल अप्रोच प्रेजेंट मोड में आपको रखना है बहुत इमोशनल नहीं होना है इमोशंस पर भी एक बैलेंस होना ज़रूरी है आपके लिए ओके okay? मुझे लगता है इसी क्योंकि हो सकता है पीस आपने कार्ड चूज़ की है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी फाइव ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी हुआ है जिसके चलते या फिर कोई रिलेशनशिप आपकी टूटा है कुछ ब्रेकअप आपकी हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है तो फोकस अभी प्रैक्टिकल अप्रोच पर आपको रखना है बिकॉज टू आप कप्स इमोशंस को दिखा रहे इक्वालिटी को दिखा रहे बट सामा कुछ पर्सन यहाँ पर आपकी इस सेक्रीफाइस uh, को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं देखते हैं या फिर फीडबैक नहीं दे रहे वो प्रोफेशनल फील भी हो सकते हैं माय डियर बिजनेस में मतलब आप सब कुछ कर रहे हो प्रोजेक्ट आप है तो कोई प्रेजेंटेशन और कर, कर चला चला जा रहा है तो डेफिनेटली असर्टिव होने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है ओके okay? चलिए देखते हैं आपको एवॉड क्या करना है ओके ओके दिस इज द वर्ल्ड एनर्जी ब्यूटिफुल वर्ल्ड एनर्जी एंड दूसरी है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी नंबर वन यहाँ पर आपकी अगर कोई विश है कोई गोल है कोई इच्छा है कोई डिजायर है कोई रिलेशनशिप हो तो उसको पहली बात तो ढिंडोड़ा नहीं पीटना है माय डियर क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है आप निकल नहीं पा रहे बट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी निकलने वाले हो तो उस खुशियों को थोड़ी आप टाइम तक आप सीक्रेट रखें सीक्रेट रखें क्योंकि यहाँ पर एक स्नेक आपको दिखाई दे रहा है जो पूरी साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है तो थोड़ी टाइम के बाद उसको रिवेल कीजिए स्पेशली अगर कोई सीक्रेट अफेयर वगैरह है क्योंकि एक फॉक्स की भी एनर्जी है कुछ लोग जो इस कार्ड के साथ एनर्जी के साथ मैच हो रही है माई डेयर तो विश कम ट्रू आपकी लाइफ में कुछ होने जा रही है पीस रिस्टोर होने जा रही है वो रिलेशनशिप भी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीट रहे आई आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं आपकी लाइफ में कभी भी मतलब धूम मचाने वाली एनर्जी है सो बी केयरफुल अबाउट इट नाइन कप्स की एनर्जी आ रही है खुशियां आएंगे बट बहुत ज्यादा यहाँ पर उसको लेकर ढिंडोरा नहीं पीटना है ओके okay? एंड दूसरी यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है तो सोशल मीडिया मोबाइल फोन लैपटॉप कभी कभी ना उस चीज़ को भी थोड़ी ऑफ करने की ज़रूरत है माय डियर नाइन ऑफ कप्स एक खुशियों को बता मतलब खुशी एक विश कम ट्रू को बता रही है तो परिवार के साथ जो अभी आपके प्रेजेंट मोमेंट में है आपकी फैमिली मेम्बर्स लव ऑन उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए वर्ल्ड कट कहीं ना कहीं हार्ड वर्क को दिखा रही वर्क हॉलिक नेचर को दिखा रही जैसे आप खाना स्किप करते हो ब्रेकफास्ट हो लंच हो जैसे आप टाइम टाइम पे जैसे आप खाना नहीं खा रही हो या तो फिर हेक्टिक लाइफ है तो इस सारी चीज़ को भी आपको बैलेंस करना है इन सारी चीज़ों पर आपको अभी के टाइम पे अवॉइड करना है स्पेशली अपनी हेल्थ पर ध्यान जरूर दीजिए नाइन अप कप्स है तो डेफिनेटली भोग भी है रोग भी है सो बी केयरफुल अबाउट इट ओके चलिए मैं आपके लिए उड़ाकेल मैसेजेस देखूंगी थैंक यू स्पिरिट थैंक यू एंड स्पेशली सोशल मीडिया में अगर आपको चिपके रहने की आदत है तो वो भी थोड़ी कम करना होगा मुझे लग रहा है कि उस वो आपकी हेल्थ पर असर हो रही है थैंक यू स्पिरिट थैंक यू ग्रुप नंबर भगवान क्या मैसेज है ग्रीन तारा आपको क्या मैसेज देना चाहती है ग्रुप नंबर वन थैंक यू थैंक यू सामने क्या आ रही है आपके लिए कौन सी आ रही है ग्रुप नंबर वन के लिए थैंक यू कौन सी आ रही है ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर वन के लिए कौन सी आ रही है थैंक यू स्पिरिट थैंक यू थैंक यू स्पिरिट फाइंडिंग तो यहाँ पर एक कुछ आपको मिलने जा रही है माई डियर तो फाइंडिंग एक बटरफ्लाई दो बटरफ्लाई यहाँ पर है तो डेफिनेटली खोया हुआ चीज़ मिलना ये वो एनर्जी है माई डियर लाइफ परपज मिल जाना वो परफेक्ट मैच आपको मिल जाए जॉब मिल जाए तो फाइंडिंग तो कुछ भी फील हो सकती है बट मिल रहा है कुछ. And that's why आपको कुछ एंड दैट्स वाई आपको बोल रही थी कि यहाँ पर खुशियाँ आ रही है आपके लिए थैंक यू स्पिरिट थैंक यू थैंक यू न्यू बिगनिंग्स इसी का तो इंतज़ार है ग्रुप नंबर वन इसी का इंतजार है एक सूर्योदय हो लाइफ में ये रात के अंधेरे खत्म हो जाए एक न्यू डे आपके लिए आए दैट इज द एनर्जी न्यू बिगनिंग्स सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स देख भी आपको उतना ट्रस्ट नहीं हो रही कि क्योंकि आप एक बड़ी साइकिल में फंस चुके हैं मुझे लग रहा है जो वर्ल्ड कार्ड है एक साइकिल को दिखा रही है बट समाव जहाँ पर आपको जैसे बहुत जल्दबाजी है मुझे लगता है किसी मोस्ट ऑफ़ द व्यूअर्स की हो सकती कि लगने की है कि लग्न पर ऐसे कोई प्लान के एस्पेक्ट है कि राशन टू तो एनीथिंग होने का भी एक टेंडेंसी है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आई मीन एगेंस्ट में आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक थोड़ी स्थिरता लाने की जरूरत है डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग्स आएंगे फाइंडिंग आएंगे तो डेफिनेटली थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है माय डियर थैंक यू स्पे थैंक यू लव ओके सो रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगनेस मुझे दिखाई दे रही है तो एक मिसिंग पार्ट आपकी वर्ल्ड कंप्लीट होने जा रही है लाइफ में एक घर बनना हाउस कंफर्ट जोन बन रही है फोर्थ हाउस या घर की भी तलाश है लिटरली अगर घर खर खरीदना हो फ्लैट बुक करना हो, होम लैंड स्पेशली तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते फॉर सम या फिर फोर्थ लॉर्ड सो या आपके लिए तो बिल्कुल पूरी फुल पैकेज है डियर तो ट्रस्ट कीजिए ग्रीन ताड़ा के ऊपर ट्रस्ट कीजिए ओके एंड टेन टू फिफ्टीन मिनट्स आप डेफिनेटली अपनी एनर्जी को हील कीजिए मेडिटेशन कीजिए स्प्रिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ठीक है चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है मोनोलॉजी से थैंक यू स्प्रि थैंक यू हमें से बहुत सारे लोग डीले से फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल कार्ड अगेंस्ट आई मीन I mean, नेगेटिव में आई है तो डीले से फ्रस्ट्रेटेड चीजें वक्त तो पर होता नहीं है ग्रुप नंबर वन के लिए क्या मैसेज है, है? थैंक यू स्प्री थैंक यू और ऊपर से क्रिटिसिजम भी हो रही है पीछे से कॉन्स्परिसी चल रही है तो लाइफ में जैसे पूरे एक बड़ी सी साइकिल जो मैं बात कर रही थी वो चल रही है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एक कार्ड डेफिनेटली आपकी जो रूटीन है माय डियर रूटीन को ठीक करने की बात करती है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ये बिल्कुल जो मैं आपके बोल रही थी आपकी जैसे कि हेल्दी रूटीन की जरूरत है माई डियर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये जो न्यू बिगिनिंग्स है ना ये छोटी छोटी आप चीज़ों को चेंज करोगे तब जाकर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगे ऐसा नहीं है कि ओवर काम है कि आप सुबह उठेंगे एक न्यू बिगिनिंग्स न्यू डोर फरिश्ता आकर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स लेकर आएंगे नहीं छोटी छोटी जो बुरी आदत है एडिक्शन है जो रूटीन है उसको आप ठीक करोगे तो एक दिन वो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे स्पेशली वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आई है एक क्योंकि मेरी जो लड़काना वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर तो नाइट रूटीन देर से सोना मतलब सुबह देर से उठना ये भी बहुत ही बुरी एक आदत है माई डियर थैंक यू स्पिरिट थैंक यू स्पेशली फोन के साथ चिपके रहना वट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून बिल्कुल रिलीज तो आपको करना ही है कुछ ना कुछ ग्रुप नंबर वन न्यू बिगनिंग्स के लिए थैंक यू स्पिरिट वन कार मून थैंक यू थैंक यू स्पिरिट इट टाइम फॉर हीलिंग आई हैलरेडी टोल्ड यू आपको हीलिंग की जरूरत है माई डियर मेडिटेशन की जरूरत है आपकी एनर्जी बहुत स्केटर्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जो नॉर्थ नोड नॉर्थ नोड हमारी सोच है हमारी थिंकिंग हमारे थॉट पैटर्न है जब वो बिगड़ी हुई है तो डेफिनेटली पूरी लाइफ भी अलाइन नहीं होगी चलिए देखते चलिए देखते हैं क्या हीलिंग मैसेज है ग्रुप नंबर आपके लिए ग्रीन को माइंडफुल ऑफ कंफ्लिक्ट यहाँ पर दिल और दिमाग में जैसे कन्फ्लिक्ट एक, एक, बैलेंस नहीं है स्पेशली यहां पर जैसे पीस आपकी आपने चूज की है सो so डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ कंफ्लिक्टेड एरिया आपकी लाइफ में है माय डियर जिसको अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ है तो डेफिनेटली उस चीज पर आपको फोकस करना है माय डियर वो कोई भी फील्ड हो सकता है आपकी कैरियर प्रोफेशन या तो फिर आपकी रिलेशनशिप बिकम बेटर बिल्कुल हर दिन आप आप ही आपकी लाइफ की कंप्यूटिटर है माय डियर तो हर दिन की एक छोटी से छोटी चेंज आपको बेटर बनाएंगे सो so, इस पर भी आपको ध्यान देना है ग्रीन तार आपको मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ी यहाँ पर अपने लोड को लाइटेन करने की ज़रूरत है थोड़ी हंसने की ज़रूरत है माई डियर दिल खोल हंसने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं जैसे आप हंसना भी भूल गई हो माई डियर सिचुएशन ऐसी है या फिर बहुत हेक्टिक लाइफ आपकी आपकी है तो खुद के लिए सेल्फ केयर करनी सेल्फ ग्रूमिंग की भी जैसे आपको टाइम नहीं मिलता होगा थैंक यू स्पिरिट थैंक यू वन कर मोर थैंक यू स्पिरिट स्पेंड द डे विद गॉड डेफिनेटली जो मैं बोल रही था वो टेन टू फिफ्टीन मिनट्स गॉड के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए स्प्रिट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए आंखें बंद कर कर टेन मिनट्स मेडिटेशन करके देखें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको डेफिनेटली मिलेगी स्प्रिट के ओर से ग्रीन तारा की ओर से तो कनेक्ट होना होगा क्योंकि मुझे लग रहा है आप स्प्रिट आपके साथ कनेक्ट होना चाहते बट हो सकता है आपकी एनर्जी क्योंकि एक कन्फ्लिक्टेड एरिया मुझे दिखाई दे रही है उसके चलते आपकी एनर्जी भी अलाइन नहीं है या फिर आप कोशिश कर रहे हो बट समहा कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन मुझे नज़र आ रही है एंड रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो तो यहाँ पर आपकी फाइव ऑफ शोट्स की भी एनर्जी आई हुई है सो डेफिनेटली ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डियर मुझे लगता है आप आपके अंदर भी एक ट्रस्ट इशू क्रिएट हो रही है क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में नहीं आ रही है आपको मैसेजेस आ रही है कि न्यू बिगनिंग्स होगी न्यू बिगनिंग्स होगी बट स्टिल यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रही है तो उसके चलते आपको डाउट हो रही है गॉड पर खुद पर दूसरों पर भी तो इस चीज़ को भी आपको रिलीज करना है एंड डेफिनेटली दिस इज अ मेजर एनर्जी इज टाइम फॉर हीलिंग ओके सो थैंक यू सो मच ग्रुप वन मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस यू हेलो ग्रुप टू वेलकम चलिए देखते हैं ग्रीन ताड़ा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है क्या आपको अभी फोकस करना है क्या आपको अवॉइड करना है ठीक है जुड़नल रीडिंग है सभी चीज़ें रेजोन नहीं होगी माय डियर सो so, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है तो आपने चूज की है विस्टम एंड ये ग्रीन ताड़ा है सुप्रीम प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में प्रोवाइड करें सारी विश आपकी लाइफ में फुलफिल हों एंड जो पास्ट कॉर्ड से वो भी कट हो जाए आपकी लाइफ में ओके चलिए रीडिंग में स्टार्ट करते हैं ओम तारे तू तारे तुरे स्वाहा चलिए ग्रुप नंबर टू आपने विस्टम कार्ड चूज की है सो डेफिनेटली टू टू मास्टर नंबर नंबर फोर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है लैडर है यहाँ पर तो स्टेप बाय स्टेप जैसे गति आ रही है जीवन की गति ये बहुत ज़रूरी है देखिए यहाँ पर बुक्स की भी एनर्जी आ रही है तो रीडिंग अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद हो तो टेन मिनट्स अगर आप बुक्स पढ़ते तो सिक्सटी परसेंट आपकी टेंशन रिलीज होती है मैं नहीं ये साइंस कहती है तो डेफिनेटली बुक्स के साथ विजडम लर्निंग के साथ जोड़ना ज़रूरी है ग्रोथ नजर आ रही है में प्रमोशन हो सकती है एंड दूसरी लिटरली यहाँ पर हायर स्टडीज़ मुझे दिखाई दे रही है अगर आप सोच रहे हो हायर हायर स्टडीज़ को लेकर तो यहाँ पर डेफिनेटली वो ग्रोथ भी है वो चांस भी आपको मिल सकते हैं आगे जाकर बट आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है कि साइन दिखाई दे रही होगी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर हो सकती है फेदर हो सकती है साइन दिखाई दे रही है एंड मेजर जो एनर्जी है वो है स्परिचुअल आई नहीं आपकी चल रही है एंड बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे होंगे मंत्र का जाप कर रहे होंगे क्योंकि विस्टम एनस पैटर्न को फॉलो करना उनकी कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना या फिर एक्स्ट्रा कुछ रिचुअल्स ऐड करना एनसिस्टल पैटर्न उनकी रिचुअल्स में ये वो एनर्जी आ रही है सो so, यहाँ पर वेनस एंड जुपिटर की वाइफ सारे माय डियर चलिए देखते हैं ग्रीन ताड़ा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है मैं उड़ाके मैसेजेस भी देखूंगी एंड uh, टैरट से भी देखूंगी हीलिंग मैसेज भी देखूंगी ठीक है बहुत लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगी तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई इंफॉर्मेशन कोई मैसेजेस स्किप ना हो ठीक है थैंक यू स्प्रीत थैंक यू ग्रुप नंबर टू थैंक यू ग्रुप नंबर टू अभी कौन सी जगह पर फोकस करेंगे ग्रुप नंबर टू थैंक यू तारा थैंक यू सो मच कहाँ फोकस करेंगे ग्रुप नंबर टू थैंक यू फोकस कहाँ रहेगी ग्रुप नंबर टू के लिए फोकस कहाँ रहेंगे थैंक यू स्पिरिट थैंक यू थैंक यू स्पिरिट ओके okay, क्या अवॉइड करना है थैंक यू स्प्रिट ग्रुप नंबर टू को क्या अवॉइड करना है थैंक यू स्प्रिट थैंक यू स्प्रिट ओके चलिए देखते हैं फोकस कहाँ रहना चाहिए ओ माय गॉड दिस इज़ अ स्ट्रेंथ एनर्जी ब्यूटीफुल एनर्जी स्ट्रेंथ ओवरकम करना सिचुएशन का ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो डेफिनेटली आप ओवरकम करोगे माय डियर एंड वेस्टर्म की एनर्जी आ रही है हो सकती है आप किसी की जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में आप जाना चाहते हो सेटलमेंट हो सकती है आप हो सकती है क्योंकि वेस्टर्म हायर स्टडीज़ जॉब करियर की वजह से हो सकती है आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट आप जाना चाहते हो तो तुम वो भी सिचुएशन धीरे धीरे ओवरकम आप करोगे एंड इन्फिनिटी का सिंबल है माय डियर तो मैनिफेस्ट कीजिए मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन पर भी अगर आप फोकस करते हो तो वो भी वर्क करेंगे आपके लिए वाह ब्यूटिफुल एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड दिस इज एक्चुअली फोर ऑफ वॉन्स एनर्जी माय डियर यहाँ पर दो बर्ड्स मीट करे यहाँ पर कम्युनिकेशन हो, हो रही है हो रही है ये यह ये जो यहाँ पर सिम्बल बनी हो ना ये यह जैसे यहाँ पर एक माइंड का जो सिम्बल है आई मीन माइंड ब्रेन हमारी जो ब्रेन है तो ब्रेन का एक सिंबल तो डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस होगी आप ओवरकम करिए सिचुएशन से एंड आपकी लाइफ में फोर ऑफ मॉन्स एक फोर्थ हाउस को दिखा रही है घर बनना कंफर्ट जोन बनना एंड स्पेशली परफेक्ट मैच हो सकती है परफेक्ट मैच परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाए क्योंकि यहाँ पर जैसे आपकी दिल और दिमाग दोनों बैलेंस हो रही है यहाँ पर यहाँ पर दिल बैलेंस हो रही है विथ स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ब्रेन बैलेंस हो रही है दैट इज योर आपकी दिमाग सो so दोनों जगह पर यहाँ पर बैलेंस हो रही है एंड फोकस आपके यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि फोर्थ हाउस पर है पर्टिकुलरली हो सकते हैं मैरिज रिगार्डिंग रिलेशनशिप रिगार्डिंग अगर आप ऑलरेडी मैरिड है रिलेशनशिप में है तो फोकस आपकी मतलब दोनों के साथ जैसे एक स्वीट कन्वर्सेशन करना अपने मतलब एक दूसरे की एनर्जी को शेयर करना इस पर भी फोकस करना होगा एंड फोर्थ हाउस से लव पार्टनर से जुड़ी नहीं है माई डियर आपके फादर आपके मदर आपकी सिबलिंग आपकी फ्रेंड सभी के साथ कम्फर्ट जोन है वो तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए अभी के की टाइम पे अगर आप मैडिड नहीं हैं तो उन पर फोकस कीजिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है घर आ रही है लिटरली घर आ रही है मुझे नज़र आ रही है हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं चेंज घर फ्लैट तो ये भी पॉसिबल है आपके लिए ओके बट ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथ का आई है तो डेफिनेटली कोई पास्ट हार्टेक है डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आप धीरे धीरे उस चीज़ से आप ओवरकम करोगे एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट भी एनर्जी आ रही है विथ स्ट्रेंथ काट एंड जब भी आप इस चीज़ से ओवरकम करोगे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है स्पेशली कोई पास्ट हार्ट है तो ठीक है चलिए देखते हैं एवॉइड क्या करना है Thank you. Thank you, oh. <laughs> आपको थैंक यू थैंक यू गुडिंग तरह हार मेट ओह आपको एवॉड करना है डेफिनेटली हार मेट मूड मुझे लग रही हाँ, है बहुत सारे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसी हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मतलब घुल मिलने में इनको टाइम लगती है या फिर सोशल मीडिया से एडिक्टेड है ऐसा भी मुझे लग नहीं रहा मतलब घर में बैठने वाली एनर्जी है मतलब चुपचाप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत बाहर जाना मौज मस्ती करना बहुत ग्रुप्स में इंटरेक्ट करना एक लोनली सॉलिच्यूडनेस मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपकी एनर्जी से तो इस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है माय डियर जब तक आप स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आई है कहीं ना कहीं ये दो कार्ड की जो बैकग्राउंड है बहुत सिमिलर है माय डियर तो स्प्रेड ग्रीन ताड़ा आपको कह रही है इस सिचुएशन से आपको निकलना है जैसे आप बहुत एक एम्प्टीनेस आप में हैं कि आपकी लाइफ में एक हर्मिट एक स्परिचुअल आयोकिन डेफिनेटली है बट यहाँ पर एवॉयड की एनर्जी में आई है तो कहीं ना कहीं एक पेसिमिस्टिक एनर्जी को वो भी दिखा रही है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स नहीं होगी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा ऐसा सोच अगर आपकी है तो ये भी बदलना होगा माय डियर यहाँ पर एक जैसे ये जो केव है ना इसकेब के बीच जैसे एक सीढ़ी है माय डियर स्टेयर केव से तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एनर्जी धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है इस जगह पर आप पहुँचोगे बट कहीं ना कहीं इस एनर्जी ये हारमेड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप जैसे बंद कमरे में रहने वाले एनर्जी हैं कुछ लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं या तो फिर मुझे लगता है घर वालों से भी आप जैसे परिवार से भी एक डिटैच है जैसे पूरी दुनिया से ही दुनिया ही आपकी अलग है माय डियर ऐसा नहीं करना आपको ग्रुप ज्वाइन करना है बातें करनी जैसे कम्युनिकेशन की जरूरत है जैसे आपकी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आपको कुछ भी पसंद नहीं है एक बोर्डम वाली फीलिंग्स आप आपकी एनर्जी से मुझे आ रही है मेजर और करना है माय डियर एंड दैट्स वाई फोकस में स्ट्रेंथ कार्ड आई है दैट्स वाई फोकस में स्ट्रेंथ कार्ड आई है माय डियर तो इस एनर्जी से आपको निकलना होगा ग्रुप ज्वाइन कीजिए बातें कीजिए मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी आपके मन में बहुत कुछ है कहने को बट जैसे आप शेयर नहीं करते हो माय डियर एंड अंदर ही अंदर एक सफोकेशन हो रही है जस्टिस माय गॉड पर तो मुझे मतलब प्यार एक तरफ और यहाँ पर देखिए फेदर बैलेंस नंबर इलेवन एंड दो फेसेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी दिल और दिमाग ये जो फेसेस है ना ये दिल और दिमाग है डियर ये भी मेजर अड़कना में आई है अवॉइड क्या करना है लोग लोगों को अगर कुछ ऐसी पास्ट का आपको है उनको जस्टिस मिलना चाहिए किसी ने आपके साथ बुरे बर्ताव किया है मिसबिहेव किया है उनको जस्टिस मिलना चाहिए आप जस्टिस देने वाले कोई भी नहीं है माय डियर जस्टिस ईश्वर देंगे आप सरेंडर कर सकते हो या फिर फरगीब कर सकते हो इन दोनों में से कोई एक चीज़ को आपको करना है वरना आप हरमेड मोड पर चले जाओगे ये स्पिरिचुअल एवकिनिंग से ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक लोनलीनेस नज़र आ रही है आपकी एनर्जी से तो जस्टिस बैलेंस को दिखा रही है डेफिनेटली बैलेंस आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में नहीं है माय डियर दैट्स वाई स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर मेजर अर्कन में फोकस में आई है तो ये जो रिवेंज की एनर्जी है एक कंपिटिटिवनेस हो सकती है कि आगे बढ़ जा रही है मुझे जस्टिस नहीं मिल रही है मुझसे कम कैपेबिलिटी के लोग आगे बढ़ जा रही है उनको जॉब मिल रही है मुझे नहीं मिल रही है मैं खूबसूरत हूँ मेरी शादी नहीं हो रही सामने वाले की शादी हो रही है ऐसा अगर सोच आपकी है एक पेसिमिस्टिक सोच है इम्बैलेंस की एक एनर्जी है तो इस इस एनर्जी से आपको निकलना है अवॉइड करना है आपको कहीं कही ना कहीं देखिए फेदर एंड लव को यहाँ पर दोनों जगह पर रखा गया है इसीलिए फेदर जो स्परिचुअलिटी को दिखा रही है एंड लव एक प्योर मतलब प्रेम से बढ़कर मृत्यु भी नहीं है माय डियर शांति अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में है वो प्रेम में ही है मृत्यु में भी नहीं है मृत्यु भी मैं, मतलब मैं मुक्त हो गई तो वो भी एक अहंकार है बट प्रेम में कोई अहंकार नहीं मै रहे अगर वो रियल हो तो तो इसीलिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रेम को देखा गया है मृत्यु को नहीं एंड दैट्स वाई यहाँ पर जस्टिस कार्ड के साथ इसका ये जो कम्बिनेशन है ये यह ब्यूटिफुल्ली यहाँ पर दिखाया गया है तो ये जो एनर्जी है रिवेंच की ये जो एनर्जी है आपकी एक लोनलीनेस की इसको आपको अवॉइड करना है ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए बातें कीजिए जिस जो भी आपके लिए ट्रस्ट वर्दी हो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने कीज़ कीज़ कि कि की कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है फोकस आपका स्टेबिलिटी की ओर होना चाहिए एज वेल एज पैशन के ऊपर मुझे लगता है कोल्ड डिटैच एक स्नोई फीलिंग्स है जैसे भूमि भी सूख गई है समुद्र भी सूख जाते हैं ना तो ये वो एनर्जी है बट आपकी लाइफ में जब दोनों कार्ड फायर ही का तो पैशन को ग्रो कीजिए ग्रीन तारा आपको मैसेज देना चाहती है पैशन ग्रो होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में रोमांटिक मूवी देखिए रोमांटिक सॉन्ग इन सारी चीजों पर इन्वॉल्व कीजिए अपनी एनर्जी को गॉड आई आई एम चलिए देखते हैं क्या आ रही है आपकी ब्लेसिंग्स आपकी आने वाले जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रीन तारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर टू थैंक यू एनिमल्स अगेन दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड माई डियर अगर आप देखोगे ये दिस इज़ ए अगेन ए स्ट्रेंथ कार्ड बीस एनर्जी को मतलब कंट्रोल कर लिया आपने ये वो एनर्जी है कि आने वाले टाइम में आप, आप जो बीस हम सब की लाइफ में बीस एनर्जी है हमारे डेयर सबकी लाइफ में बीस एनर्जी है कुछ नेगेटिविटी सब की लाइफ में है इम्परफेक्शन की लाइफ में है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है वो धीरे धीरे वो सिचुएशन ओवरकम हो रही है पेट्स रखना भी एक हीलिंग का मीडियम है डियर घर में पेट्स होना पेट के साथ कनेक्ट होना एनिमल्स के साथ बर्ड्स के साथ अपने एनर्जी को कनेक्ट करना ये भी एक हीलिंग का मीडियम है कबूतर को खाना खिलाना दाना देना ये भी एक रेमेडी है पीस आप क्या ग्रुप वन के साथ आपकी एनर्जी मतलब आप अट्रैक्ट हो रही थी ग्रुप नंबर टू ग्रुप नंबर वन में पीस ऑप्शनस में थी तो पीस आपके लाइफ में रिस्टोर होने जा रही है बहुत जल्दी डियर थैंक यू स्पिरिट फर्टिलिटी सो डेफिनेटली फर्टिलिटी लिटरली फर्टिलिटी यहाँ पर तो स्ट्रांग है ही एज वेल एज फर्टिलिटिक बर्थ को दिखा रही न्यू बिगनिंग्स को दिखा रही फुलफिलमेंट को दिखा रही विश कम ट्रू को दिखा रही है जहाँ पर जुपिटर वाइव्स यहाँ पर बहुत वाइब्रेंट है जुपिटर रेट्रो हुआ है जुपिटर अभी एक्यूरस में रेट्रो है उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं ट्रूथ सामने मिरर की एनर्जी है जो भी है आपकी लाइफ में जो भी होगा वो जस्टिस होगा डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा एंड जो इनजस्टिस के उनको भी जस्टिस मिलेगा सो डेफिनेटली ट्रूथ रिवेल होने जा रही है क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है ग्रुप नंबर टू थैंक यू स्पिरिट चलिए देखते हैं उड़ाकेल मैसेजेस क्या है ग्रीन तारा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं थैंक यू ग्रुप नंबर टू थैंक यू थैंक यू ग्रीन तारा थैंक यू सो मच थैंक यू प्रॉस्परिटी लाइज एहेड न्यूमोन इन टॉर्स साइन की अनर्जी आ रही है सो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉस्परिटी है घर सेकंड हाउस जो परिवार जन को दिखा रही है तो डेफिनेटली उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए बातें कीजिए शेयर कीजिए इनर्जी यहाँ पर शेयर होना बहुत ज़रूरी है जैसे सफोकेशन सा आपको फीलिंग्स है इमोशंस ऑफ रनिंग हाई सुपर मून दैट्स वाई ए स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आई है ओवरऑल इमोशनल जो एनर्जी ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है हमारे डीयर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी इन दोनों साइड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है स्पेशली आपका दिन का जो रूटीन है दिन एंड राइट वो ट्वेंटी फोर आवर्स का रूटीन आपका मेंटेन होना जरूरी है स्टेप आउट ऑफ यूर कम्फोर्ट जोन नॉर्थ नोड की एनर्जी आ रही है हमारे डीयर जब नॉर्थ नोड आपका सर आपका ब्रह्म आपका जो दिमाग है वो अगर स्कैटर्ड है आपका माइंड अगर स्कैटर्ड है तो नॉर्थ नॉर्थ तो बिगड़ेगा ही तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी नॉर्थ नॉर्थ इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी बिलीव इन द इम्पॉसिबल ब्लू मून की एनर्जी आ रही है माई डियर सो मेरा कल्स आ रही है आपकी लाइफ में ट्रस्ट कीजिए सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने जा रही है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन की एनर्जी आ रही है सो so, डेफिनेटली ऐसा कुछ सोचिए आउट ऑफ बॉक्स आपके पैटर्न्स को चेंज कीजिए अपनी थिंकिंग आपके थॉट पैटर्न्स जो है उसको चेंज करना ज़रूरी है विथ स्ट्रेंथ कार्ड आपको अगर लगता है सब कुछ नेगेटिव है लाइफ में कुछ एक मतलब बोरिंग सा फीलिंग्स है आगे जाकर कुछ भी नहीं होगा लाइफ में कुछ भी मतलब फ्यूचर नहीं है ऐसे सोच से बाहर आना जरूरी है ग्रुप नंबर टू थैंक यू स्पिरिट थैंक यू क्या हीलिंग मैसेज है ग्रुप नंबर टू के लिए थैंक यू स्पिरिट थैंक यू ग्रीन तारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थैंक यू स्पिरिट थैंक यू फॉलो योर ड्रीम्स सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सारी ड्रीम पूरी होगी माय डियर बट कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में आप चले गई हो कि हो सकता है कि थोड़ी एक नॉन एक्शन मोड आपकी है एंड ट्रस्ट इशू भी हो रही है ट्रस्ट इशू क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में रिकोगनाइज योर फर्स्ट थाट ड्रीम्स एंड फर्स्ट थाट आपको साइन काफ़ी दिखेंगे एंड फर्स्ट थाट का मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर आप देखते हो कोई पर्सन हो सकते कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती वो ट्रिगड करती है आपको फर्स्ट टाइम में वो साइन आपको मिलता है बट समहा आप अटेंशन नहीं देते हो माई डियर तो स्प्रिट आपको कह रही है ग्रीन तर्ड आपको कह रही है कि आप इंट्यूटिव है आप एक साइकिक पावर आप में है आप में तो डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है साइन आपको दिखेंगे माय डियर अप्रिशिएट एवरीथिंग एक एक की एनर्जी आ रही है फर्टिलिटी का ही एनर्जी आ रही है सो so डेफिनेटली जो भी आगे होगा एंड स्पेशली आपकी फ्यूचर तो यहाँ पर बहुत ही बहुत ही मतलब ब्लेसिंग से भरी हुई है तो अप्रिशिएट एवरीथिंग आज जो है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस जरूर कीजिए एंड रिलीज द नीड टू कंप्लेट यहाँ पर शिकायत करने वाली कोई एनर्जी ना खुद को ना दूसरों को ना भगवान को यहाँ पर जो भी आगे आपकी लाइफ में होगी वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरी होगी माई डियर सो थैंक यू सो मच ग्रूप टू मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस यू हेलो ग्रुप थ्री वेलकम चलिए देखते हैं ग्रीन तारा आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है सुप्रीम प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में ग्रीन तारा प्रोवाइड करेंगे सारी विश आपकी फुलफिल होगी एंड जो भी पास्ट कॉर्ड से वो भी कट हो जाएगी एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय ग्रीन तारा एंजल्स एंड योर स्प्रेड गाइड चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ जनरल रीडिंग है सभी चीज़ें रिजोन नहीं होगी डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकती हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल हैं चलिए ओम तारे तू तारे तुरे सोहा मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फॉर ग्रुप नंबर थ्री तो आपने फोकस कार्ड चूज की है तो यहाँ पर एक बड़ी सी बटरफ्लाई दिखाई दे रही है एंड नंबर फाइव की एनर्जी जो दोनों ही में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है एंड आई डोंट नो वाई बट आई फील कि ग्रुप नंबर थ्री के व्यूअर्स बहुत ही स्पिरिचुअल हैं एंड वो आंख बंद कर गॉड पर ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर जैसे एक वाटर एलिमेंट मुझे दिखाई दे रही है ओवर सेंसिटिव एनर्जी इमोशनल फीगर ट्रैजिक सीन पर रोने वाली एनर्जी है एंड कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी रिलीज़ हुआ है वो कोई नेगेटिव हैबिट्स हो सकती है कोई एडिक्शन हो सकती है या फिर कोई पास टॉक्सिसिटी बट मुझे यहाँ पर लग रही है एक साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट ऑलरेडी या तो फिर हो चुकी है या फिर होने जा रही है कुछ ना कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है छोटी से छोटी रूटीन भी अगर आप चेंज करते हो वो भी आगे जाकर आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर नाइट वॉक है आप सुबह उठेंगे एक न्यू डोर ओपन होगा आपकी लाइफ में फरिश्ता आएगा एक रेनबो आ जाएंगे नहीं माय डियर ये छोटी सी जो डेली टू डेली रूटीन भी अगर आप चेंज करती हो वो भी आगे जाकर आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे एंड डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये लाएंगे ही बट इस कार्ड में मुझे बहुत स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही है कि मेरी ग्रुप नंबर थ्री के व्यूअर्स बहुत स्पिरिचुअल है क्योंकि यहाँ पर आंखें बंद हैं जैसे आंखें बंद कर कर वो मेडिटेशन करते हैं ग्रुप नंबर थ्री के व्यूअर्स मेजर कुछ आई मीन मेजोरिटी मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन करते हो हीलिंग करते हो या फिर ऑलरेडी कोई हीलिंग सेशन मेडिटेशन की कोई सेशन चल रही है ग्रुप नंबर थ्री के लिए या फिर ऑलरेडी आप कर चुके हो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके लाइफ में चलिए देखते हैं मैं टैरट से देखूंगी आपके लिए उड़ाके मैसेजेस मोनोलॉजी से एंड हीलिंग मैसेज भी देखूंगी थैंक यू स्पिरिट थैंक यू तारा थैंक यू सो मच चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री को अभी प्रेजेंट मूव में क्या फोकस करना है थैंक यू स्प्रिट ग्रुप नंबर थ्री को क्या फोकस करना है प्रेजेंट मूवमेंट में ग्रुप नंबर थ्री को क्या फोकस करना है थैंक यू ग्रिंदारा थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं करूंगी तो एंड तक जरूर देखें कोई इन्फॉर्मेशन स्किप बिल्कुल मत कीजिए वरना मैसेजेस भी स्किप होगी थैंक यू स्पिरिट थैंक यू क्या अवॉइड करना चाहिए आपको थैंक यू स्पिरिट थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री को क्या अवॉइड करना चाहिए थैंक यू स्पिरिट थैंक यू ब्रेन तारा थैंक यू थैंक यू ब्रेन तारा थैंक यू चलिए देखते हैं थैंक यू स्पिरिट चलिए देखते हैं फोकस कहाँ होगी आपकी क्या कौन सी फील्ड में कौन सी एरिया में ठीक है थैंक यू स्पिरिट थैंक यू स्ट्रेंथ कार्ड सो so, ए कार्ड ग्रुप नंबर टू पे भी आई थी फोकस में तो ओवरकाम करने की एनर्जी आ रही है कोई एडिक्शन हो कोई ऐसी पास टॉक्सिसिटी हो कोई ऐसी सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन वो हेल्थ रिगार्डिंग हो जो भी है ये ओवरकाम करने की एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बट डिफिकल्ट सिचुएशन को दिखा रही है जैसे विपरीत परिस्थिति है उस चीज़ से आप धीरे 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 आप ओवरकम करोगे एंड स्पेशली कोई एडिक्शन है छोटी से छोटी रूटीन छोटी सी छोटी चेंज भी आ, अगर आपके डेली लाइफ में आप करते हो वो आगे जाकर आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे फोकस एनर्जी आपने चूज किए मुझे फिक्स साइन नज़र आ रही है टॉरस स्कॉर्पियो एक्यूरियस लियो की जो फिक्स साइन की जो एनर्जी है वो वाइब्स है वो इस जगह पर मुझे आ रही है हो सकती है चार साइन में से आपकी बात चढ़ में हो सकते हैं वाइब्रेंट है कोई एक साइन हो सकती है सन मून राइजिंग वेनस हो सकती है या फिर नॉर्थ रोड ओके okay. दूसरी है जस्टिस एक दो ही मेजर अड़कना आई है सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है जस्टिस पर देखिए यहाँ पर एक लव साइन जो है ना वो प्यार है वो प्रेम है एंड यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी फेदर्स को स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर मैं देखूँ तो प्यार मृत्यु से भी बढ़कर है माइडियर मृत्यु की भी आगे वो प्यार है मृत्यु में क्या अहंकार है कि मैं मुक्त हो गई तो उसमें भी अहंकार होती है बट प्यार मृत्यु से भी ऊपर कहा जाता है प्रेम में कोई अहंकार नहीं है माय डियर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको जोड़कर देखा जाता है अगर प्रेम सच्चा है तो तो ये वो एनर्जी है जस्टिस आपको मिलने जा रही है माय डियर विथ स्ट्रेंथ का जब आप ओवरकम करिए हो तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है प्यार पे भी स्पिरिचुअलिटी पे भी जस्टिस किसको मिलेगा कोई इनजस्टिस अगर आपकी लाइफ में हुआ है जस्टिस देने वाले आप कोई नहीं है माई डियर वो ईश्वर देंगे वो गॉड देंगे आप इस रिवेंजफुल एनर्जी से बच कर रहिएगा एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रही है जब आप इस बीस्ट एनर्जी को आप कंट्रोल कर लोगे हम सब की लाइफ में इम्परफेक्शंस है एडिक्शन है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जब आप इसको कंट्रोल कर लेते हो माई डियर तब आपकी लाइफ में स्परिचुअलिटी भी आएँगे वो प्योर लव भी जस्टिस के रूप में ग्रीन तारा एंड सैटन लॉर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे ओके तो फोकस आपकी मेन फोकस मुझे जो मुझे नजर आ रही है वो है स्ट्रेंथ कार्ड के ऊपर होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ ही जस्टिस देंगे ओके okay. चलिए मैं देखती हूँ एवॉइड क्या करना है प्रेजेंट मोमेंट में ठीक है थैंक यू स्पिरिट वाह दिस इज एक्चुअली नाइन ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है माई डियर आप, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में साइकिल कंप्लीट नहीं होगी न्यू no, बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में नहीं होगी एक एग्जॉस्टेड एनर्जी एक uh, ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपकी दिल और दिमाग मतलब एक दिल कुछ कहता है तो दिमाग कुछ कह रहा है हमेशा एक एस्केप की मोमेंट जैसे आप भागते रहते हो माय डियर हैक्टिक लाइफ हो सकती है हर पल की एक भाग दौड़ की जिंदगी अगर नहीं भी है दिल भाग रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग भी उस उल्टी तरफ भाग रहा है माई डियर क्योंकि दिल और दिमाग जब एक ही चीज़ पर फोकस होते हैं ना माई डियर तब उस जगह पर बैलेंस आ जाती है बट समाउ यहाँ पर अवॉइड की एनर्जी में आपके लिए नाइन ऑफ मॉर्न्स की एनर्जी है क्विट करना नहीं है माई डियर नंबर वन क्योंकि नाइन पे है बहुत जल्दी टेन आ रही है एंड उसके बाद ही शून्य एंड न्यू बिगिनिंग्स तो क्विट मोड पर नहीं किन चीज़ें होगा नहीं थोड़ी और पेशेंस रखिए ग्रीन तारा आपको मैसेज देना चाहते हैं एंड फील दिस वाइब्रेशन इस यहाँ पर कितनी ग्रीन की वाइब्रेशन आ रही है तो ग्रीनरी भी कहीं ना कहीं हीलिंग को दिखाती है ग्रीन सिंबल एक ग्रीन लाइट ग्रीन तारा की जो एनर्जी है वो एक हीलिंग को दिखाती है प्रोटेक्शन को दिखाती है तो क्विट करने की एनर्जी की न्यू किन्वेगेन्स नहीं होगी परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी फर्टिलिटी की आ, आगे जाकर नहीं होगी तो ऐसे कुछ भी सोच आपकी माइंड में नहीं होना चाहिए एंड कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है एक भागने वाली एनर्जी माई सिचुएशन से आप जब तक फेस नहीं करोगे माई डियर तब तक आप भागते रहोगे कब तक आप भागोगे आप इस जन्म में भागेंगे तो दूसरे जन्म में यही सिचुएशन सामने आकर जब आप मतलब ये दुनिया छोड़कर आप जा रही हो तो अगर आप भाग जाओगे तो यही कैरी फॉरवर्ड होगी यही एनर्जी आप कैरी करोगे फिर से वो रिपीट होगी वो साइकिल रिपीट होगी तो अच्छा है कि इस जन्म में ही उस कर्मा को मैं भोग कर लूँ एंड एक न्यू बिगनिंग्स की ओर मैं आगे बढ़ूँ अपनी एनर्जी को पूरी तरह से हील करूँ एंड आगे बढ़ूँ तो इस एनर्जी पर आपको फोकस करना है एंड पर्टिकुलरली रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा डियर नंबर वन अगर छोटी से छोटी चीज़ पर भी पेरेंट्स हो घर वाले हो घर प्रोफेशनल फील्ड में हो रेस्पांसिबिलिटी भी उठाना एक हीलिंग का मीडियम है डियर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है चलिए देखते हैं एनर्जी इसको आपको अवॉइड करना है ऐसी पर्सन को अवॉइड करना है जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ ले एंड डेफिनेटली आप खुद भी इस एनर्जी से अवॉइड करना ट्रू रहना है मतलब आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो सामने वाले को दिखाइए मेकअप कर कर फेस छुपाने वाली एनर्जी नहीं है माई डियर क्योंकि मेकअप कब तक आपको तो वो तो एक दिन पानी तो लगेगा ही मुँह पे चेहरा तो सामने आएगा ही तो वो एनर्जी है माई डियर तो जो आप है एक्चुअल में है वो ट्रू सेल्फ सामने वाले को दिखाइए यहाँ पर छुपाने वाली एनर्जी ने डेफिनेटली सामने वाला अगर ऐसे कोई एनर्जी है जो आपने ट्रू सेल्फ को छुपाती है एक फॉक्स की एनर्जी एक डिसेप्टिव एनर्जी में कोई पर्सन है तो उस एनर्जी से आपको अवॉइड करना है ऐसे पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है माय डियर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह नहीं है क्विट करने की कोई देखिए यहाँ पर दो कार्ड एक सोर्ट्स की एनर्जी है एक फायर की एनर्जी है एंड दोनों ही कहीं ना कहीं एक ह्यूज एनर्जी को दिखा रही है आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जो आगे जाकर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना दे एंड सिचुएशन से भाग कर जाओगे तो स्पेशली रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना मतलब कहीं ना कहीं एक एस्केप की मूवमेंट सोशल मीडिया से दूर रहना एक डिटैच्ड मूवमेंट हो सकती है कोल डिटैच एक अगर आपकी एटीट्यूड है कि एम्प्टीनेस है तो उस एनर्जी से भी आप अपने आप को रिलीज़ करना होगा एक स्टकनेस की एनर्जी एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखना है ओके एंड जजमेंटल लोग जो बहुत ज़्यादा कमेंट पास करते हैं बेवजह उन सारे लोगों से भी अपने एनर्जी को थोड़ी दूर रखिए ग्रुप नंबर थ्री चलिए मैं देखती हूँ कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं प्रेम तारा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है आगे जाकर कौन से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं ग्रुप नंबर थ्री थैंक यू स्प्रिट अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है आपकी प्रोफेशनल फील्ड में कोई फ्रेंड्स होते तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाइए माय डियर वो छोटे से छोटे प्रॉमिस को भी कीप कीजिए एक बातें आपने एक कमेंटमेंट दिया उस कमेंटमेंट को रखिए वो छोटे से छोटे प्रॉमिस भी एक प्रॉमिस कीपर पर्सन ना आगे जाकर वो स्पिरिचुअलिटी मतलब चाहे कुछ भी हो आगे जाकर वो डेफिनेटली ईश्वर की शरण में आते हैं माय डियर एंड जो लोग बात मतलब कमेंट में देकर वो रखते नहीं है ना उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है माय डियर एंड ऐसे पर्सन अगर आपकी लाइफ में है जो कमेंट में नहीं देते तो उन लोगों से थोड़ी अपनी एनर्जी को दूर रखिए खुद भी एंड दूसरे नजर से भी

Uh, जैसे ग्रीनरी के साथ जोड़ने की जरूरत है ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स थैंक यू थैंक यू एनिमल्स इंटरेस्टिंग ये भी स्ट्रेंथ कार्ड को दिखा रही है तो डेफिनेटली आप ओवरकम करोगे इस बेस्ट एनर्जी को एंड डेफिनेटली एक कार्ड एक एक कार्ड भी एक न्यू बिगनेस को दिखा रही है क्योंकि ये दोनों कार्ड सिमिलर कार्ड है एंड आप जब ओवरकम करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस आएंगे आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस हो सकती है आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपको वो तरक्की आपको मिलने मिलेगा थैंक यू स्पे थैंक यू सो मच थैंक यू फ्रेंडशिप सो डेफिनेटली न्यू एनर्जीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रेंड कम लवर हो सकती है माई डियर ओके कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पर जैसे आप जैसे भाग रहे हैं उन लोगों से क्यों माय डियर फॉर स्पेसिफिक मैसेज है फॉर सम व्यूअर्स कोई आपको अप्रोच करना चाहते बट सम जैसे आपकी एनर्जी जैसे आपको डर है आगे जाकर वैश्यू बनेगा नहीं तो ऐसी कुछ लाइट एंड योर लोड बिल्कुल बिल्कुल एक कार्ड तो स्ट्रेंथ कार्ड को ही जस्टिस दे रही बिकॉज लाइट इन योर लोड भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या तो फिर एंड मैं आपको बोल रही रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी दिल और दिमाग में वो लागेज है माई डियर इमोशनल लग लगेज हो सकती है आपकी तो वो धीरे धीरे लाइटन आप हो रही है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है माई डियर वन कार मोर स्पिरिट वाओ न्यू बिगनिंग्स एंड बॉडम ऑफ द डेट टैलेंट सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में आ रही माई डियर जो आपको लग रही है कि बिल्कुल भी न्यू बिगनिंग्स नहीं होगी मेरी लाइफ में बट ग्रीन तारा यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि ग्रीन आई डोंट नो वाई आई फील ग्रीनी आई मीन ग्रीन एनर्जी ग्रीन वाइब्रेशन आई एम एवेंच्योर इन मरकरी ग्रीन जेड सो हो सकता है ये क्रिस्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्पेशली इमोरल्ड पन्ना

बहुत कुछ हो सकता है कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन आपने देखी ऐसी एक्सपीरियंस आपकी है कि ट्रस्ट आप बहुत कम लोगों के ऊपर ही करते हो सिलेक्टिव एनर्जी है प्रॉस्परिटी लाइज अहेड माय माई डियर टॉरस की एनर्जी फिक्स साइन आ रही है सो डेफिनेटली प्रॉस्परिटी आ रही है न्यू बिगनिंग्स आ रही है हो सकते हैं फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं या फिर ऐसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो फाइनेंशियल आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी जैसे जा, उनके थ्रू से रिजॉल्व हो सकती है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन में क्या बोल रही थी आपसे डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्यूरेस की एनर्जी है एक्यूरस इज ऑल अबाउट फ्रीडम लवर एनर्जी प्रेजेंट पर फोकस करने की एनर्जी है एंड एक्चुअल में आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो सामने वाले को दिखाई दिखाइए ए पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर फोर्थ हाउस को दिखा रही कंफर्ट जोन आर एस पर्टिकुलरली पर्सनल इशू वो रिजॉल्व होने जा रही है कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में या तो फिर प्रोफेशनल फील्ड में हो सकती है तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है लक इज़ ऑन योर साइड और क्या चाहिए माई डियर ग्रुप नंबर थ्री यहाँ पर ग्रू की ब्लेसिंग से ग्रीन ताड़ा की ब्लेसिंग से तो आगे जाकर तो लाइफ बहुत स्मूथ होगी आपकी ट्रस्ट कीजिए थैंक यू स्प्रिट न्यू जॉब हो सकती है थैंक यू स्प्रिट थैंक यू क्या हीलिंग मैसेज है ग्रुप नंबर थ्री के लिए थैंक यू स्प्रिट थैंक यू थैंक यू स्प्रिट रिलीज द नीड टू कंप्लेन कंप्लेन करने की तो कोई जगह नहीं है माइडिया ना खुद पर ना दूसरे पर और ना ही ईश्वर पर जो भी आपकी लाइफ में होने जा होगा आगे होगा सब कुछ आपकी अच्छाई के लिए होगी अप्रिशिएट एवरी थिंग माई डियर जो भी है अप्रीशिएट कीजिए ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेस कीजिए विजुअलाइज ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स के फिगर को लेकर अगर कंसर्न है फिगर बॉडी को लेकर तो विजुअलाइज़ कीजिए विशन बोर्ड बनाए मैंने फेस्ट कीजिए एज वेल एज फूड हैबिट को चेंज कीजिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी पीने की जरूरत है ग्रुप नंबर थ्री मुझे जैसे लग रहा है आपकी मतलब डिहाइड्रेटेड बॉडी या तो फिर आ, पानी की जरूरत है वाटर एलिमेंट हो सकते कि बैलेंस नहीं है डियर नॉर्थ नोड बैलेंस नहीं है control, बिल्कुल छोड़ दीजिए लेट गो कर दीजिए जो एनर्जी आपके लिए नहीं है लेट गो कर दीजिए कोई जरूरत नहीं है इस एनर्जी में स्टक होने की डियर ओके थैंक यू स्पिरिट एंड ऑब्जर्व योर एटीट्यूड बिल्कुल बिल्कुल एटीट्यूड की बात ही मैं कर रही थी जब मैं आपको अवॉइड की जो एनर्जी यहाँ पर मैं बोल रही थी एटीट्यूड मैंटेलिटी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप दिन में चेंज करती हो रूटीन चेंज करती हो फूड हैबिट चेंज करते हो वो आगे जाकर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे एंड डेफिनेटली रेलिन क्विज जो कंट्रोल की एनर्जी है इसको आपको अवॉइड करना है कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा माय डियर सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है सो so, अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे सिचुएशन को टाइम को तो होगा नहीं समय से आगे एंड किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ मिलेगा नहीं एंड आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है तो थोड़ी पेशेंस रखिए एंड आगे जाकर लाइफ बहुत स्मूथ होगी ग्रुप नंबर थ्री थैंक यू सो मच मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस यू